कलिमा 3 दफा कहे जाए तो उनका सवाब नमाज फजर से इशराक तक मुसलसल जिक्र करने से ज्यादा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सईदा जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवेरे ही नमाज पढ़कर उनके पास से चले गए जबकि वो अपनी जाए नमाज में बैठी हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त का वक्त हो जाने के बाद वापस आए तो मैं वहीं बैठी थी। जिक्र की मोहब्बत है, आपने पूछा तुम इसी हालत में हो, यानी उस वक्त से लेके अब तक जिक्र कर रही हो जिस पर मैं तुम्हें छोड़कर गया था। उन्होंने कहा हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हारे पास से जाने के बाद 4 कलमे 3 मरतबा कहे। अगर उनका वजन इन कलिमात से किया जाए जो तुम शुरू दिन से कह रही हो तो वो उन पर वजन में ज्यादा भारी होंगे, और वो ये हैं सुभानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। हम अल्लाह ताला की पाकीज़गी उनकी तारीफों के साथ बयान करते हैं, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर। सुभान अल्लाह, विजन है ना कि जितनी उसकी मखलूक की तादाद है उतनी, और मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात, फरिश्ते और वो सारी मखलूकात जिनको हम नहीं जानते, जानवर, परिंदे, हशरात और इसके अलावा जाने कौन कौन सी मखलूकात, और उसके नफ्स की रजामंदी के मुआफिक। सुभान अल्लाह, हिकमत की बात। तारीफ करनी, सना कहनी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से संपर्क खत्म है, और उसके अर्श के वजन के मुताबिक और उसके कलिमात की स्याही या कसरत के बराबर। ये कलिमात 3 दफा कहे जाएं तो उनका सवाब नमाज फजर से इशराक तक मुसलसल जिक्र करने से ज्यादा। रसूलुल्लाह का तरीका कितना प्यारा है ना, मुशक्कतों से बचाया आपने और ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें सवाब कसीर है और मुशक्कत बहुत का। ये 4 कलिमात 3 दफा कह लें